जय माता दी दोस्तों, आज के दिन का दूसरा मैच न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड अफगानिस्तान हम करने जा रहे हैं। इंग्लैंड आयरलैंड का मैच पहला था, वही मेरी जुबान पर चढ़ा हुआ है क्योंकि अभी अभी जस्ट वीडियो उसका बना के निपटा, इसके बाद ये वाला। तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। प्लेइंग 11 से लेके फैंटेसी टीम, स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग तक डिस्कस करेंगे। और वो तो आपको पता ही है ना, कबड्डी ग्रैंड लीग कैसे जीती है। एक्चुअली मैं भी आदत डाल रहा हूँ वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह ना, कि गलती से भी अगर 7-8 प्लेयर्स की कोई ड्रीम टीम निकल जाए तो उसको इतना गाना है कि लोगों को लगे कि यार इससे बढ़िया तो प्रिडिक्टर कोई नहीं है। खैर अपने से होगा नहीं, अपन ड्रीम टीम लगा बनाने के बाद भी चुप हैं। ठीक है, खैर चलिए, ड्रीम टीम का किस्सा क्या है उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम पर जाइए और वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। कैसे करना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां लिंक दे रखा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। इनकेस नहीं कर पा रहे हो तो ये करना कि सीधे जाओ कहाँ, टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाके क्रिकेटोलॉजी सर्च करो। जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे ढेरों चैनल देखेंगे, उस ढेर में से ये वाला चैनल ढूंढ लेना और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यूजर नेम जरूर क्रॉस मैच कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं है क्रॉस मैच करने को, सही जगह पहुंच जाएंगे। मैच पे आ जाता है, न्यूजीलैंड का जो पहला प्लेइंग पहले मैच में प्लेइंग 11 था वो ये था। एलन कॉनवॉय, केन फिलिप्स, चैपमैन, नीसम सेंडनर, साउथी, बोल्ट, फर्ग्यूसन और सोडी, मतलब प्रॉपर 5 बॉलर्स प्लस नीसम के साथ ये लोग गए थे और 5 ही बैट्समैन लेके गए थे। फिन एलन ने जो पहले मैच में स्टार को एक छक्का एक चौका मारा, वही मैच जिता दिया था। उसके बाद पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव थी और न्यूजीलैंड ने जिस तरीके की जीत दर्ज करी 111 रन से, उनके हौसले बुलंद है। तो इस मैच में कहानी क्या हो सकती है, क्या कुछ बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के यही बैटर जो स्टार्क को मार रहे थे, कमिंस को मार रहे थे, ये गच्चा खा सकते हैं गुरबाज, सॉरी गुरबाज नहीं, मुजीब, राशिद और नबी के अगेंस्ट। स्पिन को उतना अच्छा ये नहीं खेलते, वो वीकनेस है और उसको एक्सपोज यहाँ पे किया जा सकता है। केन विलियमसन के अलावा और कॉनवोई के अलावा इस लाइनअप में स्पिन को बहुत अच्छा कोई भी नहीं खेलता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो उनका प्लेइंग 11 पहले मैच में कुछ इस तरीके से था। देखें, गुरबाज, जजाई, इब्राहिम, गनी, नजीब, नबी, फरीद, उमारजाई, राशिद, मुजीब और फारूकी। मगर मुझसे पूछें तो 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं इस टीम में नहीं लेना चाहता था, एक फरीद मलिक और एक उमारजाई। इनकी जगह हमारे पास नबीन उल हक के रूप में बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके पास फरीद मलिक को रिप्लेस करने के लिए गुलबदीन नेब हैं। अगर आपको 2019 वर्ल्ड कप याद हो तो नेब कप्तान थे और बहुत अच्छा खेले थे, मीडियम पेस ऑप्शन वो भी प्रोवाइड कराते हैं, मुश्किल ओवर्स डालते हैं, मुश्किल समय पर के बल्लेबाजी करते, अनुभव है उनके पास। तो मैं अगर कप्तान होता तो मैं गुलबदीन नेब को खिलाता और मैं खिलाता किसको, नवीन उल हक को। खैर अफगानिस्तान मैनेजमेंट का कॉल है, हम क्या कह सकते हैं, जो प्लेइंग 11 खिला के जा रहे हैं वही है। इसमें भी 3 बॉलिंग ऑप्शन स्पिन के, नवी, राशिद और मुजीब, और 3 पेस, फरीद मलिक, उमारजाई और फजल उल फारकी। इसके साथ ये जा रहे हैं और उम्मीद है कि शायद यही स्क्वाड इनका रहेगा भी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम अब फैंटेसी टीम्स की। छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई फेस्टिवल का टाइम है, घर पे हूँ तो उतनी बड़ी वीडियोस नहीं बना सकता डिटेल में, वो 27 तारीख के बाद के मैचेस के लिए रेगुलर होगा। ठीक है, तो पहले ही जो टीम है हमारी स्मॉल लीग टीम वो मैं दिखाऊँ, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपको फैंटेसी खेलने का है। तो दोस्तों आपको फैंटेसी खेलनी है विजन 11 ऐप पर, अभी जुड़िए। और कैसे जुड़ना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर लिंक दे रखा है, कहीं भी क्लिक करके जुड़ जाइएगा। आज की डेट में ड्रीम इलेवन के बाद सबसे शानदार, सबसे अच्छा ऐप है। देखें, फैंटेसी टीम नंबर 1 मतलब स्मॉल लीग टीम, 2 विकेटकीपर और दोनों एलन और कॉनवे, कॉनवे कैप्टन, जिस तरीके का कंसिस्टेंसी लेवल का कॉनवे का है, इनसे बाहर हम कप्तानी का ऑप्शन सोच नहीं सकते। फिन एलन ने जिस तरीके से पहला मैच खेला उसके बाद इनकी जगह बनती है। 4-3 बैटिंग ऑप्शन, फिलिप्स, विलियमसन और इब्राहिम जादरान। देखिए, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तो सेम टीम के साथ जाइएगा, अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करता है तो इसमें से आप केन विलियमसन या ग्लेन फिलिप्स में से किसी एक को बाहर करके नजीबुल्ला जादरान की तरफ देख सकते हैं। ऑलराउंडर नबी और सेंटनर, और यहाँ कोई बदलाव नहीं चाहिए, सेम बदलाव ही सेम टीम के साथ जाना है। 4 बॉलर, फजल उफारगी, राशिद खान, बोल्ट और साउथी, जिसमें बोल्ट वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर अफगानिस्तान का पूरा गायब है, जिसको बोल्ट अच्छे से बघेर सकते हैं, चाहे वो गुरबाज हों, जजाई हों या घनी हों, नजीब हों, तो उसको अच्छे से एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए इनको मैंने हटा के रखा है। तो कॉनवे कैप्टन और ट्रेंट बोल्ट वाइस कैप्टन के साथ हम ये जा रहे हैं
ये मान के कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगा, अगर चेज करने जाएगा तो बोल्ट को कैप्टन बनाइए, कॉनवे को वाइस कैप्टन बनाइए, विलियमसन और फिलिप्स में से किसी एक को ड्रॉप करके आप जाइए सीधे नजीबुल्ला जादरान की तरफ। ठीक, चलिए स्मॉल लीग टीम के बाद मिनी ग्रैंड लीग की तरफ चलते हैं। क्या बदलाव हुए मिनी ग्रैंड लीग टीम में देखें, विकेट कीपर वही दो रहेंगे लेकिन कप्तानी का ताज इस बार फिन एलन के सर है। उसके अलावा तीन बैटिंग ऑप्शन जिसमें मैं बात कर रहा था, तो केन विलियमसन की जगह नजीबुल्ला जादरान को लेकर आया, फिलिप्स इब्राहिम ऐसे ही रहेंगे, ऑलराउंडर कोई चेंज नहीं। बॉलिंग में एक बदलाव है कि फजल उफ़ारकी की जगह है मुजीबुर रहमान और फिल एलन के साथ वाइस कैप्टन है टिम साउथी। तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज, मतलब कहिए ऑल्टरनेट ऑप्शन जो कप्तानी वाइस कप्तानी के थे उनको लेकर आ गया हूँ, और दो बदलाव टीम में महज किए हैं, बन गई आपकी मिनी ग्रैंड लीग टीम। चलते हैं ग्रैंड लीग टीम की तरफ। ठीक है, तो ग्रैंड लीग टीम में फिन एलन अगर मान लो स्पिन खा गया इनका तो क्या होगा, तो इसलिए गुरबाज को लेकर आया हूँ मैं, फिन एलन हटा दिया है, और जादरान जजाई और विलियमसन थोड़े सफल किए हैं यहाँ पे बैटिंग ऑप्शंस भी, हालांकि बैटिंग में बहुत ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ऑलराउंडर दोनों इस बार रखे हैं मैंने कहाँ से, न्यूजीलैंड से ही, निजम को कैप्टन बनाया है और सेंटर को सेंटर को दूसरे ऑलराउंडर के रूप में लिया है। तीनों पेसर्स इनके मूलतः लिए हैं जो मेन पेसर्स हैं, और राशिद खान। निशम ज़्यादा बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं आपको, क्योंकि अगर मैच थोड़ा एक तरफा होता चला तो निशम को गेम कवर ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे कप्तान केन विलियमसन, तो इसलिए भी ये भी एक फैक्टर है। तो निशम कैप्टन और इब्राहिम जादरान अच्छी पारी खेल सकते हैं इसलिए वाइस कैप्टन। ठीक है, तो ये आपकी तीनों ग्रैंड लीग टीम होगी, तीनों टीम होगी मतलब ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग की। हमारा आपका मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, बस जुड़े रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। बहुत शॉर्टकट में वीडियो निपटाया है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट वीडियो नहीं बन सकता। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।